Oh,
जोरदार ताली बजाएं। मंच पर मंचासीन है तो मैं थोड़ा सा क्षमा मांगना चाहूंगा, जो लोग अब टिशू के थामने थिरक रहे हैं उनसे, कि हमारे बीच आए हुए हमारे कुलपति महोदय दोस्त हमारे बीच में हमारे उत्साहवर्धन के रूप में पंक्ति समय में रखेंगे। माननीय कुलपति सचिव महोदय, माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यदि मीडिया के बंधु हैं तो मीडिया के बंधु, आप सभी को टुसू पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। टुसू पर्व जैसा कि हमारी झारखंड की संस्कृति का और हमारे ये लोकल जो फेस्टिवल होते हैं उनमें से एक है, और जैसा कि मुझे पता है कि ये जो हमारी फसल होती है, अच्छी फसल होने के बाद उसके उसके उस उपलक्ष्य में एक खुशियाँ मनाते हैं, क्या क्या काम आगे कर पाएंगे, ये छोटी छोटी आशाएं हैं जो इस गीत में भी पता चले कि अब मैं नई साड़ी दिलवाऊंगा या तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगा, तो इन छोटी छोटी अपनी इच्छाओं को और जो पूर्ति करने के लिए और अपने हर्ष उल्लास को दिखाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं और जो हमारी कृषि व्यवस्था है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, तो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस ज़रूरत को समझे कि अगर हमारा कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि की व्यवस्था को अगर हम अपना सुदृढ़ नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में अनाज की समस्या जो होने वाली है वो उत्पन्न होगी। तो आप अपने गाँव की तरफ भी चलें, अपने खेती और इनसे जुड़े व्यवसाय की ओर भी ध्यान दें, बस यही मेरा आप सबको एक संदेश होगा। और आप सबको पुनः एक बार टुसू पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। आज इस पावन मिलन समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। आज कर रहे टुसू मिलन समारोह कर आज हम ये जानेंगे कि टुसू पर्व से संबंधी कुछ तथ्य। टुसू पर्व हम लोग अभी मना रहे हैं। सबसे पहले टुसू शब्द की उत्पत्ति, टुसू शब्द की संरचना, टिस टिसा से टुसू शब्द बना है। यह एक क्षेत्रीय भाषा है। टिस हमारे छात्रों जो इस विश्वविद्यालय में आए हैं उन्हें जानना चाहिए कि टुसू शब्द कहाँ से आया। तो टुसू शब्द टिस टिसा के टुसू शब्द से बना है। यह टिस टिसा और टुसू धान के अंतिम तीन अवस्था का नाम है। धान और चावल, धान का ही नाम है, ये तीन नाम है धान का, कि टिस टिसा और टुसू। हाँ टुसू, हाँ धान के अंतिम तीन अवस्था का नाम है, यानी टुसू शब्द का अर्थ है धान, इसका अर्थ ही होता है धान। धान शब्द को सभी जानते हैं, हर विद्यार्थी धान को जानता है कि धान से ही चावल बनता है। तो जो आज पर्व मनाया जा रहा है उसका एक मायने में हम धान पर्व मना रहे हैं। धान जो नए फसल के अवसर पर हम आज इस पर्व को मना रहे हैं। यह हमारे राज क्षेत्र के समाज, सभ्यता एवं संस्कृति में लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो ये हमारे झारखंड के संस्कृति में ये लक्ष्मी का प्रतीक है, ये पर्व जो है लक्ष्मी का प्रतीक है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जब ये सप्त धान लक्ष्मी का प्रतीक है तो हम लक्ष्मी पूजा
भी मानते हैं कि ये लक्ष्मी पूजा के समान है और हम लक्ष्मी के पूजा को इस अवसर पर करते हैं। तो देखिए, एक क्षेत्रीय त्यौहार जो अभी हम पावन पर्व को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में मना रहे हैं, तो एक मायने में अगर माना जाए तो ये लक्ष्मी की पूजा है। आज हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं कि लक्ष्मी हमें धन दे और हमें खुशहाल रखे। रैयन पर्व के दिन से होता है, जब हम लोग घर से खेत में धान के बिछराहती बीज डालते हैं, इसको ले जाने एवं खेत से लौटने की विधि और नियम वैसा ही होता है जैसा डीनी माई के को खेत से खलिहान लाते हैं। एक हमारा और भी पर्व है जिसके ही भांति ये होता है, जिसके ही समान होता है, डीनी माई के जैसे जिस प्रकार से खेत से हम लोग खलिहान से हम लोग घर को लाते हैं, उसी प्रकार ये पर्व भी मनाया जाता है। हमारे किसान इस जेठ से अगहन महीना यानी कि पूरे सात महीना तक घर परिवार के सभी सदस्य इसके अच्छे उपज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि ये जो त्योहार मनाया जाता है उसमें यही पीछे छिपा हुआ होता है कि हे भगवान, हमारे फसल को इतना अच्छा करना, इतने अच्छे देना कि हम सालों भर खुशहाल रखें, क्योंकि फसल होगी तभी हम खुशहाल हो पाएंगे, तभी हमारी जीविकोपार्जन ठीक ढंग से हो पाएगा। हर प्रांत में अलग अलग ढंग से इसे मनाया जाता है, हर प्रांत में अलग अलग ढंग से इसे मनाया जाता है। झारखंड में ये धान के पर्व, लक्ष्मी के पर्व जो है, उसको इस रूप में हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं कि लक्ष्मी हमें धन देना और हमारे स्थिति को ठीक रखना। वह हर दिन अपने खेतों का, आप जानते हैं कि जब खेत में फसल लगाया जाता है तो फसल नष्ट नहीं हो, इसके लिए वो पूरा किसान मेहनत करता है कि खेत में फसल की रखवाली करता है, पूरे तन मन धन के साथ रात हो चाहे दिन हो, पूरे रात और पूरे दिन जाग कर अपने फसल का वो ठीक ढंग से कि हमारे फसल का नुकसान व्यक्ति से नहीं हो, हमारे फसल का नुकसान जानवरों से नहीं हो, ये सभी मेहनत किसान अपने खेतों में करते हैं। पूरे सात महीना वो खेतों में इस प्रकार से परिश्रम करते हैं कि उनके फसल का नुकसान नहीं हो और हमारा दिन खुशहाल रहे। वो हर दिन अपने खेतों का निरीक्षण परीक्षण करते रहते हैं, कहीं खेत में पानी की नहीं तो कहीं कीड़ा लगा है क्या, इस तरह अपने इस धान की हिफाजत बहुत ही निष्ठावान होकर करते हैं, तब जाकर अगहन में धान की उपज ले पाते हैं। फिर पूरा अगहन हर ठंड में कादो खेत में घुसकर धान की कटाई में जुटे होते हैं। इस समय घर परिवार के सभी सदस्य पूरा अस्त व्यस्त रहते हैं, कहीं अनावश्यक घूमना फिरना नहीं, और जैसे ही खेत और धान खलिहान से घर ले आते हैं वे सभी घर परिवार के सदस्य खुशी से फूले नहीं समाते हैं। कबे माई कही के कौनाली, कबे माई कही के कौनाली, तो बहे तुझो जनम लेली। जोष्ठी मासे के दिने तुसो चासा खेते जन्मली, ज्योष्ठी मासे के दिने तुसो चासा खेते जन्मली, रूपे रंगे टूसु हमरा के, रूपे रंगे टूसु हमरा के, आषाढ़े बहरो हेली भैया, आषाढ़े बहरो हेली, तबे हे टूसु जनम लेली। सुख बिहाई हमरा सभे खेते जे सभे रहो, तू सुख बिहाई हमरा सभे खेते जे रहो, भूली
का बेटो सुजाना महली गहना ली कब है तू सुजाना महली आसिन मासक से टूसु जे जहाँ नाम ले लिए भाई टूसु जे जहाँ नाम ले ली कबे हे टूसु जनम ले ली मनेक मत मेटाली ताकर बादे टूसु हमरा के ताकर बादे टूसु हमरा के माई कोही गनाली गो माई कोही गनाली कबे हे टूसु जनम हेली कबे माई कोही कहे गनाली भाई माई कोही कहे गनाली कबे हे टूसु जनम हेली। इसी के साथ जोहर मेरी गाय थोड़े दिनी आर घरे थपना कर ले टूसुमनी आर घरे भित्रे दिनी तो ये कथा टालो हमरा के साबित है कि टूसु माई हमार वास्तविक माई है के हमार सृजन कर एक संदेश है कि टाले आर एक और कथा महान एक उद्देश्य है कि एक समाज के जे एक और एक कथा है कि विभिन्न टाइप पर कि कुलमाली महान की टूसु जे रोही से टूसु समाज को समेटने सवरने के भी बहुत बड़ी इसमें हमें एक उद्देश्य मिलती है संदेश मिलती है उनकी ये कथा और उनकी गीतों में जोहर।